Hello dear students, in this lecture we will discuss about software configuration management plan. यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लान क्या होगा. सो ये वो वाली कंडीशन है. अभी तक अपन क्या देख रहे थे कि एक फाइल होगी जिसको तीन लोग एक्सेस कर रहे होंगे, इस तरह का अपन ने सिनेरियो देखा होगा. लेकिन अभी अपन जीरो पर जा रहे हैं. जीरो मतलब कि अभी वो फाइल बनी नहीं है, हम कुछ प्लान कर रहे हैं. लेट सपोज हम एक प्लेटफॉर्म देखते हैं कि भाई इस प्लेटफॉर्म पर हम ये होस्टिंग करेंगे और उसको इन इन फ्रेंड्स से शेयर कर देंगे, मान लो, है ना. सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव प्लान समथिंग कि इस पर्टिकुलर फाइल को कॉलिब्रेटर मोड पे हमें रखना होगा और उसको ये तीनों कॉलिब्रेटर एक्सेस कर सकते होंगे, राइट. सो अब हम बात कर रहे हैं SCM के प्लान की, मतलब थोड़ा सा प्रीएम्बल में जा रहे हैं अपन, ठीक है. चलिए, सो इट बिगिंस एट अर्ली फेज ऑफ प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट के शुरुआती फेज में हम आइडेंटिफाई कर लेंगे प्लान क्या होगा. सो प्लान में वो पॉइंट्स आइडेंटिफाई हम कर लेंगे, ठीक है. देन प्लानिंग से हमें क्या मिलेगा, हमें रिजल्टेंट में मिलेगा एक SCM का प्लान. SCM प्लान में क्या होगा, वो सारी कंडीशंस लिखी होंगी जो हम फर्दर या तो इंप्लीमेंट कर रहे हैं या करने वाले हैं, राइट. देन हम इसको हार्ड कोड नहीं करेंगे, मतलब SCM प्लान विल बी डायनेमिकली अवेलेबल टू गेट चेंज्ड. इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पर स्ट्रेच कर सकते हैं उसको, उसमें कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं और उसको रिवाइज तक कर सकते हैं, ठीक है, एज पर द नीड. सो SCM प्लान में हम जो भी कॉन्फ़िगरेशनल सेटअप के लिए कंडीशंस लिखेंगे, उन कंडीशन को स्ट्रेच और रिवाइज किया जा सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा. सो SCMP के लिए हम कौन सा प्री डिफाइंड टेम्पलेट फॉलो करेंगे, तो नोट कर लीजिएगा इसको, IEEE 828. अब ये क्या चीज है, जिस तरह से हम चीजों को स्टैंडर्डाइज करने के लिए कुछ पर्टिकुलर टेम्पलेट्स क्रिएट कर देते हैं और उनको स्टैंडर्ड की तरह एक्नोलेज कर लेते हैं, ऐसे ही SCMP के लिए भी एक टेम्पलेट अवेलेबल है IEEE के द्वारा, IEEE 828, और हम इसको ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर भी डिसाइड कर सकते हैं. इसका मतलब ये हुआ, इधर आप ये फॉलो कर लो, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप ये फॉलो कर सकते हैं, इसको आप टेम्पलेट की तरह मान सकते हैं, एक पाथवे से क्रिएट कर लीजिए, बाद में कस्टमाइजेशन कर लीजिए अगर चाहे तो, है ना, मतलब कुछ चेंजेस कर लीजिए इसी टेम्पलेट को, फिर वो नंबर नहीं रह जाएगा, 828 नहीं रह जाएगा, आप कुछ पर्टिकुलर परिवर्तन कर रहे हो उसमें, तो वो आपका कहलाएगा ऑर्गेनाइजेशनल लेवल SCMP, राइट. इट डिफाइन द टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी मैनेज्ड एंड अ डॉक्यूमेंट नेमिंग. ध्यान रखिएगा, हम जो भी पर्टिकुलर SCMP प्लान कर रहे हैं उसमें डॉक्यूमेंट का टाइप क्या होगा और उनकी नेमिंग पॉलिसी क्या होगी. तो मान लीजिए कोई स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, तो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के लिए हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं शॉर्ट नेम लाइक SMRT स्मार्ट के लिए, स्मार्ट सिटी, और इसके अंदर हमने एक पर्टिकुलर मॉड्यूल बनाया, मान लीजिए SC नाम का, और ये टेस्टिंग मॉड्यूल है, तो हमने लिख दिया टेस्ट और हमने आइडेंटिफाई कर दिया इसका version 1. सो नेमिंग पॉलिसी, या बोलना चाहिए पॉलिसी और कल्चर ऑफ नेमिंग शुड बी नोन टू ऑल दी मेंबर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, कि हम क्या तरीका फॉलो कर रहे हैं, कि हम नेमिंग के लिए क्या मैकेनिज्म अप्लाई करते हैं. अब जैसे मान लीजिए ये बोलेंगे अपन प्रोजेक्ट का नाम स्मार्ट सिटी, ये हो गया मॉड्यूल का नाम, ये हो गया उसका वर्जन. सो हमने ये एक पॉलिसी फॉलो की होगी, मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन इसको फॉलो कर रही है एज इट इज, तो वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर आइडेंटिफाइड पॉलिसी कहलाएगी, राइट. SCMP डिफाइंस द पर्सन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर SCM प्रोसेस एंड क्रिएशन ऑफ द बेस लाइन. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम एक पर्सन को SCMP मैनेजर बना देंगे. तो मान लीजिए एक पर्सन है जो इस पूरी फाइल का टोटल ऑनरशिप रख रहा है, मान लीजिए ये तीनों में से कोई पर्टिकुलर इस फाइल को एक्सेस भी करना चाह रहा है, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, इन भाई सब के पास जाएगी, या जब ये अप्रूवल दे देंगे तब फिर आप आगे बढ़ सकते हैं. ये चीज बहुत सेंसिटिव हो जाती है जब हम प्रोडक्शन सर्वर की बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन सर्वर पर हम जनरली एक ऑथेंटिकेटेड पर्सन को ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन को ही हम एक्सेस देते हैं. तो बेसिकली जिस तरह से प्रोडक्शन सर्वर में एक पर्टिकुलर चेक पॉइंट बना होता है, वैसे यहाँ पर भी ये पर्टिकुलर पर्सन है जिसको SCM मैनेजर बोल सकते हैं हम, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस पर्टिकुलर फाइल के एक्सेस को प्रोवाइड करने के लिए या इसकी क्रेडिबिलिटी को मैनेज करने के लिए, इसकी ऑथेंटिसिटी, इसकी करेक्टनेस को मैनेज करने के लिए, ठीक है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, राइट.
इसमें इसका एक काम और होगा, बेसलाइन। बेसलाइन का मतलब क्या होता है? द फैक्ट्स फॉर द सिस्टम। बेसलाइन का मतलब ये भी होगा कि आपने वो कौन कौन से कंक्लूजन रख लिए हैं कि भाई ये कर सकते हैं ये नहीं कर सकते, विच विल बी द डेडलाइन, है ना। तो ये सारी चीजें जो होंगी उसको बेसलाइन बोलेंगे, और ये आइडेंटिफाई करने का काम भी इन भाई साहब का ही होगा। देन एससीएमपी के अंतर्गत अगले पॉइंट्स कुछ हैं, फिक्स पॉलिसीज फॉर वर्जन मैनेजमेंट एंड चेंज कंट्रोल। वर्जन मैनेजमेंट, जैसा कि अपने वर्जन कंट्रोल में थोड़ा हिंट दिया था मैंने आपको कि डिफरेंट डिफरेंट वर्जन बनेंगे, अब वर्जन को मैनेज करने के लिए वर्जन कौन सा रहेगा, उसका नाम क्या दिया जाए, है ना, उसमें क्या क्या परिवर्तन करने हैं, क्या कुछ परिवर्तन करने हैं, तो उसके लिए भी अपन है ना पूरी पॉलिसी डिफाइन करेंगे। सो यहाँ तक कि नाम क्या होगा और कौन कौन सी कंट्रोलिंग पैरामीटर्स हैं, ये सारी चीजें उसके लिए फिक्स करना होगा, अपन को पॉलिसी बनानी होगी जिससे ये चीजें मैनेज हो पाए। वर्जन मैनेजमेंट एंड चेंज कंट्रोल के लिए हम पॉलिसी को फिक्स करेंगे। देन डिफाइन टूल्स विच कैन बी यूज ड्यूरिंग द SCM प्रोसेस। जैसा कि मैंने बताया था कि SCM में कुछ SCM को अचीव करने के लिए हम कुछ टूल्स भी यूज कर सकते हैं, तो उन पर्टिकुलर टूल्स को हम डिफाइन करें, उनको हम उनका स्कोप या उनकी वो कंडीशन, गुड टू गुड सिचुएशन बोलते हैं ना कि भाई कब अपन उसको यूज कर सकते हैं टूल को, तो ये भी अपन डिफाइन करके रखें कि भाई टूल कब यूज करना है। अब टूल कब यूज करना होता है, जब मैनुअल वर्क अपना कंप्लीट हो चुका हो, जब अपन को लगता है कि हम एक ऑटोमेटिक सिस्टम के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, उस टूल को डिफाइन करना और उसके यूजर्स को डिफाइन करना कि कैसे यूज किया जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डेटाबेस फॉर रिकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन। एक तरह से ये समझिएगा कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डेटाबेस क्या है, करंट सेटअप, ठीक है, सेटअप में कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे, एक चेकलिस्ट होगी, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर सेटअप कहलाएगा आपका कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डेटा। अब इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डेटाबेस को हम इसकी ऑथेंटिसिटी को मैनेज करेंगे। इसकी ऑथेंटिसिटी कब मैनेज होगी, कब ये करेक्ट कहलाएगा, जब जितने भी पर्टिकुलर यूजर्स हैं उन्होंने क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन दी थी, उनमें से कितनी अप्रूव हुई हैं, उन सभी को अपन यहाँ पर रिकॉर्ड करते हुए जाएंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डेटाबेस फॉर रिकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन, हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे जिसमें कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, राइट। So these are the points for software configuration management plan। कुल मिलाकर एक summarize करूं मैं अगर इसको, तो हम जो भी particular system opt करने जा रहे हैं, जो भी particular tools हम opt करने जा रहे हैं, जितने भी participants होंगे उनके access को लेकर अगर हम कोई rules बनाने जा रहे हैं, तो सारी policies, सारी strategies हमारे पास pre-planned manner में होंगी, ठीक है। इसलिए इसको बोला गया कि क्योंकि क्या होता है कि समय के साथ हमें लगता है कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो यहाँ पे स्ट्रेच और रिवाइज करने के प्रोविजंस दिए गए हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान। थैंक यू।